जी साहब बोले। एहसन को बाहर भेजो। एहसन साहब तो घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है घर पे है, बाहर भेजो। एहसन साहब तो बिजनेस के सिलसिले में बड़े साहब के साथ बाहर गए हैं। कितने दिन में आएगा? जब भी बाहर जाते हैं 8-10 दिन रह के आते हैं, हो सकता है पीर मंगल तक वापिस आ जाए। आप हॉस्पिटल में, आपको हाई फीवर हुआ है। पानी जी, मेरे साथ जी आपके हस्बैंड आए हैं, बाहर बैठे हैं, आप कहें तो मैं बुला दूं। नहीं, आप खैर करना, सब ठीक हो वहाँ पे। मैं क्या करूँ, किससे पता करूँ कि वहाँ क्या हो रहा है? जी ने हाँ। हेलो आसिम, आसिम आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बॉस के साथ हूँ मीटिंग में, थोड़ी देर में कॉल करूँ? हाँ ठीक है, ठीक है। शुक्र है कि सब ठीक है। अल्लाह पाक आसिम को हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना। Thank you.
ऐसा नहीं कर सकते वाली, तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। रीता, बेहतर ये होगा कि तुम जो पहली फ्लाइट मिले उस पर वापस चले जाओ। जैसी तुम्हारी बुकिंग होती है तो मुझे बताना, मैं ड्राइवर को बता दूंगा, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाएगा। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हैं आप? लेकिन बुखार तो अब भी है। कब कब बुखार रहता था आपको घर में? जी देखिए, आपका टाइफाइड बिगड़ चुका है, इसका मतलब है कि घर में भी आपको अक्सर बुखार रहता होगा। कभी किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? मैं खुद ही टैबलेट खा रही थी, ठीक हो जाती। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब समझती हैं आप? कितने गलत नतीजे साबित हो सकते हैं इसके। आपने भी कभी नोटिस नहीं किया? डॉक्टर, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना। देखिए, अभी आपको मेडिसिन देंगे खाने के बाद, उसके कम से कम 6 घंटे के बाद आपकी कंडीशन देखकर बताएंगे कि आपको रिलीज करना है या एडमिट करना है। प्लीज, मुझे घर जाना है। देखिए, आप ही इन्हें समझाएं, इन्हें तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में तो कोई भी रहना नहीं चाहता। आप फिक्र ना करें, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती हम यहीं हैं। ठीक है, गुड।